हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों आज मैं आपके लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये सुनकर आप खुशी से झूम उठोगे। अमेरिका के सबसे बड़े राज्यों में से एक कैलिफोर्निया राज्य की सदन में जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को पारित किया गया है। अब यह भेदभाव विरोधी कानूनों में जाति को संरक्षित श्रेणी के रूप में जोड़ने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया है। दोस्तों यह विधेयक सोमवार को सदन से पारित हो गया। अब इसे कानून बनाने के लिए गवर्नर गेविन न्यूसोम के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है। बता दे कि इस विधेयक का उद्देश्य जातिगत भेदभाव से निपटाना और राज्य में रहने वाले हाशिए समुदाय के लिए सुरक्षा को मजबूत करना है। इसे पहली बार राज्य सीनेटर आयशा वहाब ने पेश किया था। सीनेट में विधेयक ASB 403 को पहले ही मंजूरी दे दी गई थी। वहां हुई वोटिंग में इसके पक्ष में 34 जबकि विपक्ष में सिर्फ एक वोट पड़ा था। अब यह विधेयक सदन में पेश हुआ जहां इसे पास करा दिया गया। गवर्नर के हस्ताक्षर होने के बाद ये कानून बन जाएगा। वहां ने सदन में विधेयक पास होने के बाद सभी को धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि ASB 403 के समर्थन में मतदान करने वाले सभी सदस्यों को धन्यवाद। हम ASB 403 के जरिए भेदभाव से लोगों की रक्षा कर रहे हैं। हालांकि उत्तर अमेरिका के हिंदुओं के गठबंधन COAHANA ने इसे कैलिफोर्निया के इतिहास में एक काला दिन बताया। अब ये कोई बात होगी क्या दोस्तों? यह कानून वंशावली के तहत जाति को एक संरक्षित श्रेणी के रूप में जोड़कर कैलिफोर्निया के अनरूहन नागरिक अधिकार अधिनियम, शिक्षा और आवास कोड को संशोधित करेगा। इस साल की शुरुआत में पेश किए जाने के बाद से विधेयक कई चरणों से होकर गुजरा है। इस दौरान कई श्रम और नागरिक अधिकार संस्थाओं से बड़े पैमाने पर द्विदलीय समहित प्राप्त हुई है। दोस्तों इस तरह कैलिफोर्निया अमेरिका का पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसने एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बिल पास किया है। दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो बुद्धाय, कड़क जय भीम।